तो अभी हम हैं सेक्टर 17 के पार्क में, और यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग सारी सजा रखी है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे क्या क्या है, जो पुराने ज़माने के जो टैंक थे, हवाई जहाज़ थी, और भी बहुत सारी उस समय उपकरण बनाए गए थे, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये पार्क को थोड़ा ग्रीनरी बनाया जा रहा है। आपने स्टार्टिंग में लाइट देख ली होगी कैसे आ रही है। तो अभी हम बाकी इन्फॉर्मेशन जो कृष्णा जी उनसे पूछते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो बेसिकली हम सेक्टर 17 और 14 के बीच में ये पार्क है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस पार्क, और आप साथ में बने रहिए, आगे हम आपको चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा बनी हुई है बड़ी सी, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वीडियो में देखेंगे। सो आइए मैं आपको ले चलता हूँ प्रतिमा की तरफ। तो जैसा कि आपने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा देखी, अब आपको हम दिखाते हैं आज पार्क में रेसिंग कार भी लगी हुई है। बेसिकली एक्चुअल में नहीं है, बट आप देख सकते हैं कैसे डिजाइन किया गया है इसको। हाँ, इसमें लाइटिंग है। हाँ, लाइटिंग है, और साथ में पूरा लोहा से बनाया गया है, और ये रेसिंग कार है बहुत पुराने ज़माने की, थोड़ा मॉडलिंग करके बनाया गया है। तो यहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है, बस टायर में लाइट दी गई है, तो इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जो इन्वेंट्री बनाई गई है उसको देखने। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पार्क में कितना अच्छा ट्रैक बना हुआ है। ये इवनिंग वॉक के लिए अगर आप आओ तो आपको यकीन नहीं होगा बेसिकली कि आप ये पार्क में कैसे लाइटिंग और सजावट की गई है। काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है पार्क ही। सो आई होप कि आपको एक बार विज़िट करना चाहिए यहाँ पे। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं या बाहर भी रहते हैं तो कभी आने का मौका मिले तो विज़िट ज़रूर करिएगा। आप ये देख सकते हैं पीछे हमारी कार है, काफ़ी विंटेज डिज़ाइन की कार बनाई गई है, और इसमें लाइटिंग देखिए, सारे इंस्ट्रूमेंटल लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। गेट भी यहाँ पे ओपन होता है इसका, आप चाहो तो इसमें बैठ के फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हो, और लाइटिंग देखिए कितनी प्यारी है इसकी। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है जिस भी डिज़ाइनर ने इसको बनाया है, काफ़ी सुंदर है। सो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टैचू की तरफ। स्टैचू कह सकते हैं बेसिकली, ये देखिए आप यहाँ पे ये रथ जैसा कुछ बनाया गया है पहले, जैसे आप देखते होंगे फिल्मों में, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में ऐसा। तो ये डिज़ाइन किया गया, इसमें इंजन भी लगा हुआ है, ऑल्दो ये चलेगा नहीं, बट आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत है ये। नेक्स्ट आप देखिए मेरे राइट साइड में एक हेलीकॉप्टर है, जैसे कि पहले डिज़ाइन किया जाता था, पहले के हेलीकॉप्टर ऐसे आते थे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका, और आपको फ्रंट से भी दिखाते हैं अभी हम। ये बैक साइड है इसका, और आप डिज़ाइन कितना अच्छा है, ये काफ़ी प्यारा बनाया गया है। और प्रॉपर इसमें इंजन भी लगा है, आगे बैठने के लिए भी बनाया गया है, जो कि पायलट इसको फ्लाई करेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है इसको, काफ़ी बढ़िया है बैक। तो गाइस आप देखिए मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी एक हेलीकॉप्टर है, एक डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें एक सिंगल बंदा फ्लाई करता था, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है। तो पहले की ये सारी पुराने चीज़ें हैं जो कि काफ़ी विंटेज हो चुकी हैं। तो इनके इस बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के जो पार्क बनाया गया है, एक थीम बेस्ड है कि जो पहले युद्ध में ये ऐसी चीज़ें लगी होती थी, मतलब यूज़ होती थी, वॉर के टाइम यूज़ करते थे लोग, अपनी आर्मी यूज़ करती थी, वो सबको यहाँ पे दिखाया गया है ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि पहले क्या क्या होता था। अभी उनको ये सब नहीं पता है। तो बेसिकली पार्क में बच्चे आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग भी यहाँ पे विज़िट करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। वीकेंड्स पे तो आपको काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पर लोग मिल जाएंगे, तो अच्छा है काफ़ी, आप भी विज़िट करिए कभी। ये आप देखिए नेक्स्ट हमारा जो डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, ये भी बेसिकली प्लेन ही है एक, इसको चॉपर कह सकते हैं बेसिकली, अपनी लैंग्वेज में आप कमेंट करके बताइएगा बेसिकली एग्जैक्ट नेम क्या है इसका। तो इसको भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, खूबसूरत है, इंजन के साथ प्रॉपर लाइटिंग भी दी गई है यहाँ पे। सो गाइज मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, ये बेसिकली प्लेन है, इसमें दो इंजन लगे हुए हैं, इसके विंग्स हैं, और ये इसका केबिन है पूरा,
और काफ़ी अच्छा काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। अब तक का जो हमने दिखाया है आपको उनमें से सबसे खूबसूरत डिज़ाइन मुझे ये अच्छा लगा। आप पीछे से भी एक वॉक अराउंड लेते हैं इसका और आपको दिखाते हैं। अगर आप फ़ोटो में देखेंगे या बाहर वीडियो में देखेंगे तो आप बता नहीं सकते कि ये एक्चुअल में है या केवल डिज़ाइन दिया गया है, एक डेमो है उसका। काफ़ी खूबसूरत है, आप देखिए यहाँ से इसके विंग्स देखिए, प्रॉपर एक एरोप्लेन की तरह लग रहे हैं बिल्कुल। तो काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। इसके पीछे जस्ट अगर आप मूव करें तो पीछे देखेंगे यहाँ पे भी एक साइकिल के जैसा बनाया गया है। इसमें तीन पहिए लगे हुए हैं, ऊपर सीट दी हुई है, हैंडल किसी ने गायब कर दिया है इसका, चलाते चलाते वो लेकर लग रहा है चला गया कहीं। तो अच्छा है डिज़ाइन, आइए आप कभी देखिए इसको। पीछे आप देख सकते हैं इसको बग्गी बोला जाता है, पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था। इसमें 12 से 15 लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं और इसमें टोटल चार पहिए लगे हैं। और नीचे का डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है, एक्चुअल लग रहा है कि बिल्कुल एक्चुअल वाली बग्गी है ये। आगे इंजन भी लगा हुआ है इसमें, ये वो घोड़े चलाते थे बट यहाँ पे इंजन वाली लगी हुई है। तो इसमें ऊपर भी बैठने के लिए है, आप डबल डेकर जैसे ट्रेन देखते हैं तो उस टाइप का ये बनाया गया है, कुछ ऊपर भी लोग बैठेंगे नीचे भी बैठेंगे, लगी हुई है पीछे से ऊपर जाने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है यहाँ पे, अच्छा है। तो आपको पीछे मैं दिखाता हूँ बुलेट प्रूफ बस, आप देखिए पूरा लोहे का डिज़ाइन है इसका और डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी की गई है। इसमें विंडोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे, इसके नीचे टायर दिए गए हुए हैं और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। पीछे भी देखिए आप कितना बढ़िया बनाया है इन्होंने, पूरा लोहे का बनाया है, अच्छा काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन ये भी है, आप देखिए। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे और भी हमारे पास है दिखाने के लिए, आइए आपको ले चलते हैं। तो ये हमारे पीछे देखेंगे तो ये ट्रक है बेसिकली, ये सामान को ले जाने ले आने के काम आएगा। पीछे देखिए आप ट्रॉली लगी हुई है, आगे केबिन है जहाँ पे इंजन है, ऊपर ड्राइवर के बैठने के लिए है और यहाँ पे फ्यूल टैंक लगा है इसका। आगे से देखिए डिज़ाइन जैसे पहले के ट्रक आते थे हमारे पुराने ज़माने के, तो वैसा ही ट्रक दिया गया है बिल्कुल। डिज़ाइन आप पीछे देख रहे हैं बेसिकली ट्रक कह सकते हैं, क्योंकि पीछे आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें सामान ले जाने के लिए बना हुआ है। आगे ये केबिन है उसका, इसमें ड्राइवर बैठे हैं और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है इसका, देख सकते हैं बढ़िया है, काफ़ी खूबसूरत है। बेसिकली यहाँ पे दो तीन ट्रक बनाए गए हैं और ये जो ट्रक है ये है पुराने ज़माने के थीम पे बनाया गया है। आप देख सकते हो इंजन जो है पुराना यूज़ किया गया है और इसमें भी वही यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, अच्छे से होगा अगर आप आते हो यहाँ तो। सो गाइज जब आपको हम दिखाने वाले हैं पीछे, बेसिकली ये युद्ध में यूज़ किया जाता है और काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है और सबसे यूनिक है जब तक तो जो हमने दिखाया आपको। ये बेसिकली मिसाइल है, अगर आप देखें आपको पता चल रहा होगा यहाँ से देखिए कि आकार में कितना बड़ा है और लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, ये लॉन्च होने वाला है। तो आप उसको सामने मत जाइएगा, कभी भी लॉन्च हो सकता है ये। वैसे बटन इधर कहीं रखा होगा इसका, तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है, ये काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। आप नीचे देखिए इसका स्टैंड भी प्रॉपर बनाया गया है ताकि लॉन्च होने के लिए इसको दिक्कत ना हो, यहाँ से बटन दबाते ही ये गायब हो जाएगा। ये इसको आप कभी कहीं भी भेज सकते हैं, पाकिस्तान चाइना कहीं भी जाना हो उसको। तो ये कोयले वाली बेसिकली आप देखिए यहाँ पर तो एक ट्रेन बनी हुई है, ट्रेन जो कि ये कोयले से चलने वाली ट्रेन लग रही है। आप देखें अगर इसमें तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये ट्रेन कोयले से चलने वाली है डीजल इंजन है, आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कोयले से निकलने वाला धुआं जो है आगे से निकलेगा, तो ये बेसिकली कोयले से चलने वाली ही ट्रेन है, स्टीम इंजन जिसमें होता था। और पीछे यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, सामान रख सकते हैं, टॉय ट्रेन के जैसा भी है। और उसमें देखेंगे तो कोयला उठा के डालने के लिए रखा हुआ है, जिसको यूज़ करते थे कोयला डालने के लिए, काफ़ी बढ़िया है ये। सो गाइस आप मेरे पीछे पीछे चलते आइए, आप दिखाते हैं आपको पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जो शिप बेसिकली यूज़ हुआ था वो लोग यहीं से ले गए थे
फिर हमने वापस ले लिया ऑल द उनसे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी थी ये, हमने बोला कि वापस करिए। आप देखिए, आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे ये एक्चुअल में है या एक डेमो ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है जो लोहे का पूरा तैयार किया गया है। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे पायरेट्स के लिए जो बनाते हैं, यहाँ पे झंडा भी बनाया गया है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, और हम ट्राई करेंगे कि इसको जो शिप को है डे में भी बनाएं, तो लोगों को अच्छा सा देखने मिलेगा। और पास से अगर जाके बनाऊँ तो सारा हर एक चीज़ मॉडल बनाया गया, कैसे बनाया गया, हर एक चीज़ जो मूवी में यूज़ की गई थी उस तरह का मॉडल बनाया गया है। देख सकते हो, दूर से भी इसमें ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे एक सबमरीन भी रखी हुई है, जिसको पनडुब्बी कहते हैं, पानी में चलने वाला है ये। ऊपर का देखिए इसका डिज़ाइन कितना शार्प है, और नीचे में देखिए इसके पीछे प्रोपेलर लगे हुए हैं जो कि पानी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन है, काफ़ी सुंदर है ये, और बिल्कुल रियल वाला लुक दे रही है। तो आप देखते रहिए, कैसा देखते डिज़ाइन लग रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि वॉर के टाइम इसको यूज़ करते थे। आप देखेंगे आगे इसमें तो दुश्मन निकलने के लिए फाइट कर रहे थे, गोलियाँ वगैरह निकलती हैं, ऐसा भी डिज़ाइन दिया गया है। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, आप तो देख सकते हैं। तो गाइस, आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे साइकिल बनी हुई है और साइकिल पे एक आदमी इसको चला रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इससे ये मैसेज जाता है कि आप साइकिलिंग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि गाड़ी या कार से ही ना ट्रेवल करें, साइकिलिंग करना भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो पार्क में इसको बनाने का रीज़न यही है, कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इसके साथ करते रहें। तो काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, आप देखिए साइकिलिंग करते हुए कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी दूसरा भी साइकिलिंग टाइप ही है। अभी हम आगे स्पेस यान भी यहाँ एक बना हुआ है, और जो एलियन आते थे ना मूवी में, अगर आप देखोगे दिखाते कि अब एलियन आ रहे हैं यहाँ से, इस टाइप का बनाया गया है। तो भैया पता नहीं कब इससे एलियन निकले। हेलो, जो एलियन जो मेन जहाँ से निकलते थे, मैं यहाँ पे इस तरह का बनाया गया, देख लेते हैं कि एलियन है कि नहीं है। अरे भाई, यहाँ तो एलियन नहीं है, चलो एक ढांचा बनाया गया है, कहीं किसी दिन एलियन ना इसके अंदर मिल जाए, ऐसे एलियन के स्पेस जैसा बनाया गया है। गाइस, वीडियो को हम यहीं तक अभी रखते हैं फिलहाल में, बाकी आगे कुछ होता है तो हमारे पास कुछ नए नए अपडेट्स आती रहेंगी, नई जगहों पे हम विजिट करेंगे, कुछ अच्छा दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आगे हम आपको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।